अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत होंगे। मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद हैं जावेद बियादा साहब की शॉप में, देखते हैं कितनी पुरानी और कौन कौन से प्रोडक्ट इनके पास हैं। तो सबसे पहले इनके भाई से मिलते हैं। और अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे सर? जी सर, कुछ तारुफ कराइए सर अपने बारे में। मेरा अनवर मियादाद नाम है और हमारी शॉप का नाम है मियादाद स्पोर्ट्स, और ये करीमाबाद मीना बाजार के बिल्कुल करीब है। आने में बहुत आसानी होती है और हमारे पास जो है ना स्पोर्ट्स की तकरीबन सारी वैरायटी है। इसमें जैसे अपना क्रिकेट हो गया, पैड्स हो गए, ग्लव्स हो गए, टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, हॉकी हो गई, बास्केटबॉल हो गया, बैडमिंटन रैकेट्स हो गए, स्विमिंग के आइटम्स हैं, मतलब बहुत सारी एसेसरीज हैं हमारे पास। तो माशाल्लाह हमारी दुकान आप ये समझ लें कि मतलब वैरायटी से फुल है। ठीक है। अच्छा, ये ना कितने साल पुरानी दुकान, कब से ये? हमें तकरीबन है ना 28-29 साल हो गए इधर, मतलब 1992 में इसकी ओपनिंग की थी हमने, और माशाल्लाह तकरीबन 28-29 साल हो गए हम लोग काम करते हुए ना, माशाल्लाह बड़ा अच्छा माशाल्लाह। जावेद भाई साहब आपको कितने बड़े हैं? मतलब जावेद भाई मुझसे है ना तकरीबन तीन या चार साल बड़े हैं मुझसे। और अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि जब वो क्रिकेट खेलते थे तो मैं भी उनके साथ हबीब बैंक से क्रिकेट खेलता था। तो मेरा जब स्टार्ट हुआ करियर का तो क्रिकेट से ही हुआ था। तो आप ये समझ लें कि जावेद भाई एक तरह के मेरे आइडियल भी थे, तो मैं उनको ज़्यादा फॉलो करता था। और मेरे हिसाब से है ना पाकिस्तान में उस वक्त वो नंबर वन प्लेयर थे, तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोग जो है ना उनको कॉपी करते थे। और माशाल्लाह वो एक्साइटिंग प्लेयर थे, मतलब अक्सर जो है ना क्रूशल मैचेस में स्कोर करके वो टीम को जिताने में महारत रखते थे। वो कौन का समय हमारे माशाल्लाह से। अच्छा सर, हमें कुछ प्रोडक्ट के बारे में बता दिए, कौन कौन से प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल हैं, उनकी थोड़ा रेट्स वगैरह भी पता चल जाए हमें। अच्छा, ये प्रोडक्ट्स के बारे में हमारे जो एक्चुअल जो है ना, मुझे रेट्स तो इतने नहीं पता होते। हमारे जो प्रोडक्ट के जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं फरहान साहब हैं, फरहान साहब ज़रा इधर आइएगा, और ये आपको सारे इनके प्रोडक्ट के रेट्स वगैरह जो जो हैं, जो जो आप प्रोडक्ट्स पूछेंगे, प्रोडक्ट्स बल्कि ये खुद भी बताते रहेंगे कि जैसे फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, टेबल टेनिस हो गया, ये सब इसकी है ना आपको जो है ना नो हाउ बताते रहेंगे। ठीक है, तो आप ज़रा ये फरहान से। प्रोडक्ट हमारी मतलब स्पोर्ट्स की शॉप है। ठीक है, तो तकरीबन सारे प्रोडक्ट्स होती हैं, मेन हमारा क्रिकेट होता है। ठीक है, बाकी हॉकी है, बैडमिंटन है, ओवरऑल जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं वहाँ पर चलते हैं, स्विमिंग हो गया, सही, एक्सरसाइज के आइटम हो गए, सही, सब होते हैं। अच्छा अच्छा, थोड़ा दिखाएँ कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, थोड़ा सा शो कराइए कौन कौन से प्रोडक्ट अभी इस टाइम। ये देखें, क्रिकेट प्रोडक्ट हैं, ये सारी क्रिकेट के बैट लगे हुए हैं, हार्ड बॉल के सारे, ये किट बैग जी, ये भी किट बैग होता है, इसमें सामान डलता है। ठीक है, ये बैटिंग सब मिलेंगे, ये बैट होते हैं। ठीक, इसके अलावा ये बैटिंग के पैड होते हैं, ये हेलमेट है। कितने के सारे नॉर्मली जो रेट्स हैं वो कितने कितने तक बैट्स? 1500 से लेके 1,00,000 तक का बैट होता है। अच्छा, तो वो भी दिखाएंगे मुझे जो इतना एक्सपेंसिव बैट सर। यहाँ तो पूरी लाइन लगी हुई है, मैं आपको रात का एक बजाय दिखाता था। अच्छा नहीं, मुझे मैं ओवरऑल आपको है ना, मतलब जो ये देख लें अच्छे बैट ये होते हैं, इसमें 8-10 हज़ार वाले बैट हैं। ठीक है, ठीक है, ये 4-5 हज़ार वाले बैट हैं। अच्छा, इनकी क्वालिटी आगे तो बहुत सारी वैरायटी है, एक चीज़ थोड़ी मेरे पास, हर आइटम में वैरायटी है मेरे पास। सही जी। अच्छा, मुझे पूरे किट दिखाइए, अगर जो आपके पास किट्स वगैरह जो बनती हैं ऑर्डर्स पे भी बनाते हैं। किट ही है ना सर, ये बैट होता है। ठीक है, ये किट बैग होता है, इसमें सामान आता है, ये बैटिंग के पैड हो गए, ये हेलमेट हो गया। ठीक है, ये बैटिंग ग्लव्स होते हैं। सही, ये थाई होती है पहनी जाती है। अच्छा, एल्बो गार्ड होता है ये पहने आता है, ये होते हैं आइटम किट के सारे। अच्छा, ये हेलमेट जो आपके पास, ये काफ़ी बेहतर लग रहा है, माशा अच्छी क्वालिटी का, कितने का ये, इसका क्या रेट है? ये वाला 1500 का होता है। 1500 का, ठीक है। शूज़ वगैरह भी इनके अपने किट वगैरह के साथ सब चीज़ें मिलेंगी आप, और का सब आइटम होता है। अच्छा, और भी कुछ दिखाइए सर, कुछ अंदर भी हैं कुछ? अंदर भी सब क्रिकेट का है सर, इसके अलावा अगर आपने कुछ और देखना है, ये देखें टेबल टेनिस की टेबल है, ये देखें, ये कैरम लगे हुए हैं, आगे भी कैरम है हमारे पास, ये पंचिंग बैग रखे हुए हैं, वो रखे हुए हैं, पंचिंग के काम आते हैं। ओके, और आइटम ये गारमेंट्स की होते हैं हमारे पास, टी शर्ट ट्राउजर चले साथ ये होते हैं। आइए, ये हमारे इरशाद भाई बैठे हुए हैं, भाई हमारे गारमेंट का काम ये करते हैं सारा, इसमें स्विमिंग के आइटम होते हैं सारे, ट्राउज़र होते हैं, टी शर्ट्स होती हैं जो पहनते हैं ना लोग। ठीक है सर, सारे गारमेंट है इधर। अच्छा हाँ, ठीक है। ये लॉन्ग टेनिस की बॉलें होती हैं जो अभी विंबलडन चल रहा है ना। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन ये वो है। अच्छा, उसकी बॉल होती है, ये बॉक्सिंग के आइटम होते हैं सारे। ठीक है, ताइक्वांडो के आइटम होते हैं। इसके अलावा फिर ये विकेट्स होती हैं, ये स्प्रिंग विकेट है, स्टैंड के साथ होती है। अच्छा, ये इसमें ऐसे गाड़ने वाली भी आती हैं। ये LED विकेट है, जो आउट होते हैं तो लाइट जलती है। ठीक है, ये कितने की, इसकी प्राइस क्या है?
ये 6000 की होती है। 6000 की नॉर्मली ये 1250 की होती है। अच्छा ये 6000 की जी। एलईडी है, एलईडी लाइट्स अंदर पूरा सिस्टम होता है। ये जब स्टैंप होगा या आउट होगा बोल तार लगेगा, चार्जर मिलेगा तो फिर आपको ठीक है सारा वो होता है। 6000। इसके बाद फिर ये शूज़ होते हैं क्रिकेट के, ये देखेंगे क्रिकेट शूज़। इनके पास सेटअप आपके पास ये टेबल टेनिस की टेबल होती है ठीक है, टेबल टेनिस जो होता है ना चाइनीज गेम में ठीक है। इसके फिर ये देखें ऐसे सीरीज होती हैं ठीक है, ये मैंने देखी। ये रैकेट होते हैं इसके ठीक है, नेट पोस्ट पकड़ा होता है, इसकी बॉल्स होती हैं। ये टेबल टेनिस का ये स्विमिंग के आइटम है, स्विमिंग के गोगल, स्विमिंग गोगल्स होते हैं ये ठीक है। इसका गारमेंट्स यहाँ होता है सामने हमारे ठीक है, स्विमिंग का गारमेंट्स होता है ना ओके, कपड़े वगैरह ये होते हैं, ये होते हैं क्रिकेट ग्लासेस होते हैं, क्रिकेट के ग्लासेस होते हैं हमारे पास। ये स्पोर्ट, ये स्कूटियाँ होती हैं बच्चों के लिए, ये स्केटबोर्ड है, स्केटबोर्ड जो यूज़ करते हैं स्केटबोर्ड। ये फिर ये इंडोर गेम में योनो आता है, स्टॉप वॉच वगैरह होती हैं जो स्पोर्ट में चलती हैं। ये कैरम बोर्ड होते हैं, इसमें कैरम की वैरायटी और भी हमारे पास बाहर भी लगी हुई है। तो कैरम बोर्ड कितने बड़े बड़े, ये फुल साइज है ये सही है? इसमें तकरीबन 24 इंच से लेके 48 इंच तक का कैरम होता है ठीक है। और इंग्लिश प्लाई भी होती है, लोकल प्लाई की भी आते हैं ठीक है। कितने के हैं ये वैसे? तकरीबन इसमें जो है ना आपको 25,000 रुपये तक का कैरम मिलेगा, 2500 से लेके 2500 ठीक है, सब प्लाई वाले होते हैं ठीक है। बाकी कैप्स होती हैं, स्पोर्ट्स कैप हैं ये इसके स्टाइगर होते हैं, कैरम की जो पीसे होती है ना ये स्टाइगर, ये डब्बू के लिए हैं, ये कैरम के छोटे होते हैं, बड़े डब्बू के होते हैं ठीक है। ये इसकी गोटे होती हैं कैरम बोर्ड पे पीसेस वाला, जैसे वन पीस है ना पीसेस वाला है। फिर ये भी और सब स्पोर्ट्स के आइटम है सारे। इसके अलावा बैट की ग्रिपें होती हैं, ग्रिप है, हार्ड बॉल। ऑनलाइन सर्विसेज वगैरह भी आपके यहाँ? नहीं, हमारे पास ज़्यादा काउंटर सेल होती है ठीक है। बाकी हमारे कस्टमर हैं जो व्हाट्सएप पे जो बात करते हैं ठीक है, तो उनको हम अक्सर भिजवाए थे, वही होता है ज़्यादा उस पर वो नहीं करते हम ऑनलाइन ज़्यादा ओके, क्योंकि यहाँ काउंटर सेल पे तवज्जो दी जाती है ठीक है। बाकी ये इंडोर गेम होते हैं सारे, सीक्वेंस है, ये इंडोर गेम है, आगे लगे हुए ये हफीज़ भाई हैं हमारे, उनके ऊपर लगे हुए ठीक है सीक्वेंस की गेम, सब इंडोर गेम। आगे आ जाए थोड़ा सा, आप आ जाए आगे। ये चेकर एंड चेज ये गेम होता है ठीक है, इसमें 3-in-1 होता है, ये आगे तक गेम है, मोनोपोली सारे गेम होते हैं। ये टेनिस बॉल है जो क्रिकेट लगे खेलते हैं ना ठीक है। ये केन आते हैं, केन वाली होती है, ओपन बॉल नीचे होती है, ये जो मैच खेलते हैं ना टेप चढ़ा के ठीक सर, टेप बॉल के वाली है। ये हार्ड बॉल, ये हार्ड बॉल मैच के लिए होती है ये बॉल, इसमें फिर डिफरेंट वैरायटी आती है। तो क्या क्या प्राइस, शक्ल सबकी आपको ऐसी लगेगी देखने में आपको? जी जी बिल्कुल सर। तो इन्हें क्या प्राइस है? इसमें समझे 250 से लेके तकरीबन 750 तक की बोल होती है। अच्छा 750 तक पर जी। अच्छा इसके अलावा सर दिखाएंगे कुछ और दिखाने का, ये सब मतलब हमने कवर कर लिया। इसके अलावा तो बहुत कुछ है। अच्छा ठीक, बहुत कुछ तो मैं बता चुका हूँ, आप बताएं ठीक है। चलिए बाकी एड्रेस सब मैं कन्फर्म कर लिया, ऑनलाइन वगैरह कैसे काउंटर से डील कर रहे हैं काउंटर, या कि शॉप का नंबर वगैरह भी बता दीजिए अगर कोई बताना चाहे तो। मोबाइल पहले नंबर मेरा है 0335-306-2251 फरहान। बहुत शुक्रिया फरहान साहब, थैंक यू। अनवर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए, और फिर इंशाल्लाह आपकी दुकान में स्नैक्स विजिट करेंगे ठीक है। बाकी हमारे चैनल के लिए कोई जब भी आपको हमारी ज़रूरत हो एनी टाइम आप आ सकते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा जावेद मियाँ साहब की शॉप थी इनकी, और काफ़ी अच्छा यहाँ से हमें रिस्पॉन्स मिला यहाँ पर, और जिन लोगों ने भी यहाँ पर विजिट करना हो तो ये बहुत ही इसका आसान एक एड्रेस है, यहाँ करीमबाद और ये हुसैनाबाद के बिल्कुल सेंट्रल एरिया में बिल्कुल सामने ही है। यहाँ से आप मेन करीमाबाद में आके मीना बाज़ार के साथ ही शॉप है। मिलते हैं किसी और